Salam marhaba. Main hoon Anees Afzal. Hope you guys are doing great. Today I'm gonna talk about my past 3.5 years. मैंने कैसे लैंग्वेज सीखी, मैंने कैसे यंग कल्चर सीखा, हम आज इसी पे बात करेंगे. लेकिन इससे पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ. मीट मिस्टर बामसी. थैंक यू. एवेट बेन बामसी. सलाम पाकिस्तान. ए पाकिस्तान लग कर देशलार. बिलर हम पाकिस्तान बिजम कर दे शुल कर देर. ओ जमा सीजे बिर ईली क्या पजा. यानी सीजे तुरचे और तजा. यानी सीजे तुरचे और तजा कदर यार दिम वे यानंदा दुरे जा. वो आ रहा था एन एस भाई दाथन बिजम यानंदा. हाँ ऑफ कोर्स मैं साथ हूँ. गुड. तो हम अब एक बात कहना चाहते हैं. हमको हिंदी आता है. बामसी भाई उर्दू आता है. बोले उर्दू तो भाई हिंदी और उर्दू एक जैसा ही है. ओके इट्स ट्रू. एक का लिखा है. ठीक है, हमको पता है ये ए बी सी लिखा है. ये हिंदी और उर्दू भाषा का ए बी सी है. तुर्की जुबान में हम इसको आ बे जे दे ए फे ले. हम इसको ए की टोन में पढ़ेंगे. हर के साथ ए लगा देंगे. कुछ लफ्ज डिफरेंट हैं, जैसा कि सी. सी को दो लफ्ज़ों में यहाँ पढ़ते हैं. जैसा एक जय पढ़ते हैं जय, एक चय. और है एस से और शे. ये दो लफ्ज हैं. ओ उ उ ओ वाई को ये पढ़ेंगे. तुर्को सिखा नहीं रहे, तुर्को ही समझा रहे हैं. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. मुझे लगता है बामसी भाई ने आपको पूरा बोर कर दिया. ये बोर कर रहा क्या? आ बात आ जा. अगर आपने थोड़ा सा भी ए बी सी सीखा है, लाइक जस्ट आ बैड दे सीखा है, तो मैं आपको एक लफ्ज़ देता हूँ. हम अब वो लफ्ज़ बनाएंगे. ठीक है, आ बे जे वाली टोन में से कारदश लफ्ज़ बनाएं. कारदश हमने लफ्ज़ लिया का आ रे दे ए और शे. कारदश. और कारदश का मतलब है कारदश का मतलब है भाई. तुर्की का कोई भी लफ्ज़ अगर आप सीख रहे हैं, उसके साथ अगर आप ले आ रे लर किसी भी लफ्ज़ के साथ लर लग जाएगा ना, तो वो जमा हो जाती है लफ्ज़ों की. मतलब कारदश बामसी भाई ने आपको सिखाया और लर मैं आपको सिखा रहा हूँ. कारदश लर. एक बार तक को बोलेंगे बारदक. अगर 5 बार तक हो जाएंगे तो हम बोलेंगे बारदक लर. लर हर चीज़ की जमा होती है. मैंने पर्सनली लैंग्वेज बहुत ही हार्ड सिचुएशन में सीखी. लाइक मेरा इंट्रैक्शन कभी भी पाकिस्तानियों से नहीं हुआ. जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे डायरेक्ट मेरा इंट्रैक्शन तुर्की लोगों से हुआ. मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उनके साथ रहा. फिर मैंने मजबूरन मुझे लैंग्वेज बोलना ही थी, तभी मेरा काम चलना था. वगरना मैं कुछ भी नहीं था, मैं ज़ीरो था. लाइक बामसी भाई ने आपको आ बे दे जे वाला सिस्टम समझाया. पर्सनली जब मैंने लैंग्वेज अपनी परफेक्ट की, तब मुझे आ बे दे जे बहुत काम आया. यहाँ तक कि मुझे कोई लफ्ज़ नहीं ना आता, तो मैं आ बे दे जे में वो लफ्ज़ ढूंढता. जब मेरा माइंड लिखने पढ़ने में आया ना तुर्किश, तब मैं तुर्किश लैंग्वेज में एक्सपर्ट से एक्सपर्ट होता चला गया. लाइक आज मुझे 70-80% तुर्किश आती है. जैसे मैंने लैंग्वेज सीखी, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ देता हूँ. लाइक आ बे दे जे एक साइड पे है, सबको शायद सब नहीं भी पढ़े लिखे होते, सब नहीं भी याद कर सकते. इसका एक दूसरा सिस्टम भी है, लाइक बॉडी लैंग्वेज को समझना. फॉर एग्जाम्पल आबी बिताने सु अलिफ तमाम आबी तशक्कुर
हमने देखा उसने कुछ तुर्किश में कहा, उसने कुछ तुर्किश में जवाब दिया, लेकिन वो एक पानी लेके चला गया। तो बॉडी लैंग्वेज में तो यही चीज़ सामने आती है ना कि उसने उसने आया और पानी मांगा और उसने पानी दिया। तो मैंने इस चीज़ से भी बहुत सारी ज़बान सीखी है, दैट इज़ द वे जहाँ से मैंने सीखी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे ही सीखी है ज़्यादातर ज़बान। बाद में जब मेरा इंट्रैक्शन या बाद में मेरा जब माइंड इस तरफ हुआ तो मैंने फिर पढ़ना भी सीखी, आ बैठ दह जय सीखी, अच्छे से मैं मज़ीद से मज़ीद ज़बान सीखता चला गया। और एक बात और, तो वो बात ये है कि आप तुर्किश वर्ड्स को अपने तरफ से कोई कोड्स देकर याद रख सकते हैं माइंड में। कभी कभी हम मतलब कन्वर्सेशन के दौरान देखते हैं कि कुछ लफ्ज़ बोले जा रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं पता, ऊपर से गुजर जाते हैं, लेकिन अगर उनके जैसे लफ्ज़ हमारी अपनी पर्सनल लैंग्वेज जैसा कि उर्दू में हों या कोई वो लैंग्वेज जिसमें हमें आते हों, सिमिलर लफ्ज़ हों, तो हम उनके साथ उनको कोड्स कर सकते हैं। लाइक जैसे तमाम, तमाम का यहाँ पे मतलब है ओके या ठीक है। तो मैंने तमाम लफ्ज़ को पाकिस्तानी तमाम के साथ कोड वर्ड किया, मैंने रूटीन के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो इससे भी मेरी बड़ी हेल्प हुई क्योंकि मैं था ही अकेला, मेरे इर्द गिर्द कोई पाकिस्तानी भी नहीं था, एटलीस्ट मेरी फैमिली तो थी ही, लेकिन जहाँ पे मैं जहाँ पे मेरा इंट्रैक्शन था, जहाँ पे मेरी नौकरी थी या जहाँ पे मैं कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहा था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुर्के लोग ही थे, इस तरह के थे। तो मुझे मजबूरन उनके उनके अंदर घुस के उनकी बातों को नोट करके, उनकी बॉडी लैंग्वेज को नोट करके, कोई एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं तो उनके उनसे कुछ लफ्ज़ निकाल के, मैंने इस तरीके से तुर्किश लैंग्वेज सीखी है। और मजीद बामसी भाई से पूछें भाई साहब, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है कि बादल वो बिल्डिंग के ऊपर शॉपिंग करने आया है। इधर मेरा पीछे है इस्तांबुल का सबसे बड़ा बिल्डिंग, हो बादल उधर शॉपिंग करने आया है। तो अगर आपने सीख लिया है आ बे जय सही से, तो आप लफ्ज़ बनाए, मैं आपको लफ्ज़ देता हूँ जैसा कि गितमेक लाजिम। वीडियो को इधर ही पॉज कर दें और वो लफ्ज़ ढूंढें आ बे जय में से। गितमेक अलग लफ्ज़ है, लाजिम अलग लफ्ज़ है, बना लिया, वीडियो पॉज। बना लिया गितमेक लाजिम, इसका मतलब है गितमेक लाजिम, और गितमेक लाजिम का उर्दू वर्जन है गितमेक लाजिम, जाना ज़रूरी है, गितमेक लाजिम कर दशलर। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, गितमेक लाजिम कर दशलर, गितमेक लाजिम। बामसी भाई भी कुछ आपको माइंड बोर कर रही हैं, तो मैंने एक प्लान सोचा है कि मैं आपको ना कहीं पर लेके चलता हूँ, मतलब यहीं पर लेके चलता हूँ। आज का मौसम जो है ना कसम से माशाल्लाह है, आज का मौसम इतना अच्छा है कि मत पूछें। मैं आपको ना ज़रा ड्रोन सीन दिखाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मौसम, माँ कसम, मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती ना तो यकीन मानो कि मैं उसके लिए जान भी दे देता। मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं तो इसलिए कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है सर, कुछ भी दिखाया जा सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुलायजा आवर एरिया। बात क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने लैंग्वेज सीखी है मैंने आपको वो बताया, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत अच्छा लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने जैसे खुद सीखी है मैंने आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर किया। कोई कल को ये ना कहे यार ये क्या मुझे तो आई नहीं, भाई नहीं आई तो मैं क्या करूँ, मैंने तो जैसे खुद सीखी मैं वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, क्या दैट इज़ द वे ऑफ। एफएनएम
यरन गेले से हलर तमाम गेल मतन आ रहा संगलर ए अजब कच की भी गेले से क्लर तमाम तेज क्लर बेक लिरिस गेल मतन आ रहा संगलर ए वाला ई गुना यक सम एक्चुअली मैंने अपने घर के सारे क्लीन धुलने के लिए दिए थे तो वो कह रहे हैं कल आ जाएगा देखा वो भाई की तुर्किश जो है ना वो आसमान तक ऊपर लेवल तक तुर्किश आती है कहाँ से सीखी है कहाँ से सीखी है पता है अर्ज किया है जहाँ समझौता मुमकिन ना हो अनीस वहाँ रिश्ता तोड़ने में पहल तुम करो मतलब जहाँ पे आपकी दाल ही नहीं गलनी चिल कराओ अगले को जाओ पहन जो की से ठीक है नेवर माइंड I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was nada though. Walk inside my kitchen, baking soda all up on the floor. Police banging on the door while gripping the 44. I was